press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट पे मैं राकेश उपाध्याय करता हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं आपको गूगल मैप की कुछ ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप ये जान सकते हो आप पिछली हिस्ट्री में कहाँ कहाँ गए हो, यानी कि आप पिछले महीनों में या पिछले सालों में आप कहाँ कहाँ गए हो। किसी पर्टिकुलर दिन आप कोई सा भी दिन वहाँ से सेलेक्ट करके, कोई सी भी डेट सेलेक्ट करके ये जान सकते हैं आप कहाँ कहाँ गए हो। उसके अलावा आप ये जान सकते हो दूसरे की लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कहाँ कहाँ गया है या कहाँ कहाँ जाने वाला है, कहाँ कहाँ जाएगा, वो सब भी आप जान सकते हो, यानी कि किसी की या लोकेशन भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों आइए इसके लिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं गूगल मैप को। हम आ गए हैं गूगल मैप में। दोस्तों आपको ऊपर एक आइकॉन बना दिखाई देगा, राइट हैंड साइड में आप देखिए यहाँ। अब आपको जाना है यहाँ पर योर टाइमलाइन पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ पर, एक बार मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको बैक करके कैसे आना है। आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको आना है योर टाइमलाइन पर। ऊपर आपको टुडे दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके वो दिन सेलेक्ट करना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। जैसे मैं जनवरी का 2020 का जानना चाहता हूँ, 2 तारीख को मैं कहाँ था, कहाँ कहाँ होकर गया था। आज है दोस्तों मार्च 31, 2020, तो अब जानते हैं हम इस दिन। तो दोस्तों देखिए इसमें मुझे इसके लोकेशन दिखा दी सारी की सारी। ये जो है कहाँ से कहाँ तक गया मैं, यहाँ से अपने घर से यहाँ तक गया, एक जगह सिया, फिर वापस आया यहाँ तक अपने घर तक। इस तरह से इसने मुझे उस दिन की लोकेशन दिखा दी है। और भी आप जान सकते हैं, किसी और महीने में चलूँ मैं, दिसंबर 11, तो ये देखिए यहाँ पर इसने ये लोकेशन दिखा दी मुझे किस किस तरह से मैं कहाँ कहाँ गया। फिर बैक चलिए, और दोस्तों यहाँ पर भी ये दिखाता है इस तरह से, ऐसे नीचे, और डेट देखते हैं, ये देखिए 31 दिसंबर को, ये देखिए इस तरह से पूरी आपको लोकेशन दिखा देगा कहीं तक भी आपके किसी भी दिन की लोकेशन। हाँ जिस दिन आप मोबाइल न लगे हों उस दिन बात अलग है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किसी की आप लोकेशन कैसे जान सकते हो। जिस भी मोबाइल की आपको लोकेशन जाननी है, सबसे पहले उस मोबाइल को लीजिए एक बार अपने हाथ में, और फिर वहीं जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लोकेशन शेयर का, तो यहाँ पर आप स्टार्ट कीजिए और आप अपने नंबर पर उसको भेज दीजिए इस लिंक को। मान लीजिए किसी और की आपको लोकेशन जाननी है, आपका कोई बेटा है वो कहाँ जाता है उसकी जाननी है, वो लीजिए और आप अपने नंबर पर शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर। किसी और पर भी शेयर कर सकते हो, जैसे मैं होम पर करता हूँ। तो दोस्तों ये आ गई लोकेशन, ये मैंने शेयर कर दी। अब आप जब भी यहाँ पर जाएंगे तो इस मोबाइल की लोकेशन दिखा देगा। ये तो मैंने इसी मोबाइल पर भी मैं देख रहा हूँ, जहाँ दूसरे मोबाइल पर ये व्हाट्सएप का लिंक पहुंचा होगा वहां उस नंबर से आप जान सकते हो इस लोकेशन के बारे में। दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छी ट्रिक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया हो। दूसरों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।